व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू पीपल फेल इन ऑनलाइन बिजनेस ऑन अमेज़न। क्यों लोग फेल होते हैं एक अमेज़न या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में, और स्पेसिफिकली अमेज़न पे। मैं सक्सेस होने के पहले ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रोडक्ट्स में फेल हुआ था, और काफ़ी सारे सेलर्स के ग्रुप्स में जाकर मुझे मालूम पड़ता है कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड है। और काफ़ी लोग 1-2 प्रोडक्ट से फेल होके ऑनलाइन बिजनेस छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ वर्क नहीं करती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी मिस्टेक्स है जिससे आप एक अमेज़ॉन में फेलियर हो सकते हो, और चीज़ कैसे अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हैविंग बैड प्रोडक्ट्स। कितनी बार ये होता है कि बहुत सारे लोग रिटेल चालू कर लेते हैं अमेज़ॉन पे सेल करना, लेकिन उनके पास राइट नॉलेज नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। जो चीज़ ऑफलाइन बिक्री कंपलसरी नहीं है, वो चीज़ ऑनलाइन बिके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना पहले कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की मार्केट डिफरेंट है। प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बार अलग अलग होते हैं। अगर आपकी 1 लीटर की बॉटल है तो शायद वो ऑफलाइन ज़्यादा चले, बट 0.5 लीटर ऑनलाइन ज़्यादा चले। तो आपको ये समझना है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऑनलाइन वर्क करेंगे। तो एज अ सेलर बहुत बार लोग फेल इसीलिए होते हैं कि उनको राइट नॉलेज नहीं होती है कौन से प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वो रिसर्च भी नहीं करते। आपको रिसर्च करना है कि ऑनलाइन मार्केट में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग ये जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सारे पैसे लगा देते हैं एक ही प्रोडक्ट के पीछे। आपको ये समझना है कि ये बिजनेस कोई और बिजनेस जैसा ही है, कोई भी बिजनेस में रिस्क रहता है। तो अगर आपका वो प्रोडक्ट नहीं चला तो ये नहीं होना चाहिए कि जितना आपके पास कैश था वो सब खत्म हो गया। अगर आपके पास समझो 50,000 रुपये है इन्वेस्ट करके स्टार्ट करने के लिए, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट करिए 10-20 हज़ार से। बिकॉज अगर आप 50,000 पूरा डाल देंगे और चलो ये चीज़ नहीं चली, तो आपके पूरे के पूरे बिजनेस लॉस हो जाएगा, और आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या तो नया प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये टिप नंबर 2 है। इसीलिए बहुत सारे लोग फेल होते हैं कि बहुत सारा पैसा वो एक ही चीज़ में डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, काफ़ी लोग ये नहीं समझते हैं डिफरेंस मार्जिन और ROI के बीच में। अब ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और मार्जिन होता है हमारा मार्जिन ऑन एनी प्रोडक्ट। काफ़ी लोग मार्जिन्स के पीछे बहुत जाते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको ये बिजनेस में ग्रो होना है तो होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए इन्वेंट्री बाय करने के लिए। तो आपको एक स्मॉल प्रोसेस बताता हूँ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। समझो अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया है 100 रुपीज़ का, ठीक है, और आपकी मार्जिन है 40%, ठीक है, तो आपको हर टाइम जब आप वो प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको 40 रुपये मिलेंगे। पर जैसे आपकी ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, आपको समझो आपने 100 यूनिट लाए, अब आपको 200 यूनिट लाने हैं, तो आपको 100 यूनिट के तो पैसे लगेंगे, प्लस आपको 100 यूनिट के और लगेंगे। बट आपको अमेज़न पे कब करेगा, 14 दिन के या 15 दिन के बाद, पर आपको स्टॉक 2-2.5 महीने का ऑलरेडी होल्ड करना पड़ेगा। तो आपके मार्जिन कितने भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको 100 रुपये डाल के 140 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं नए 100 यूनिट का ऑर्डर करने के लिए। तो ये हमेशा आपको कैश कम पड़ेगा अगर आप ऐसे टाइप से बिजनेस कर रहे हो। ऑन द सेकेंड हैंड ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझो मैंने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लाया, ठीक है, मैं प्रोडक्ट 1,000 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरी कॉस्टिंग उसकी सिर्फ समझो 100 रुपये है, बट मुझे वो प्रोडक्ट बेचने के बाद 200 रुपये मिलते हैं, इसका मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 200% है। इसका मतलब जब जब मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो मुझे 200 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये मेरा प्रॉफिट तो आया ही और 100 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा रहा। अब अगर उसका मुझे और इन्वेंट्री लानी है, समझो डबल इन्वेंट्री लानी है, तो भी मुझे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं डालने पड़ेंगे, मेरा प्रॉफिट ही वो नया इन्वेंट्री ला पाएगा, या तो एक्सेस इन्वेंट्री ला पाएगा। या तो अगर आपके पास 200% ROI है तो आप एक नया प्रोडक्ट लाइन भी चालू कर सकते हैं बिना नया कैपिटल या तो नया पैसा इन्वेस्ट किए। तो ROI बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सेलर्स इसीलिए फेल होते हैं कि उनके पास ROI कम होता है और वो मार्जिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर समझो मैंने वो 100 रुपये का चीज़ 1,000 रुपये में बेचा और मुझे 200 रुपये मिलता है, अब चेक करो और कैलकुलेट करो मेरा मार्जिन कितना हुआ, 20%, बट मेरा ROI कितना हुआ, ऑलमोस्ट 200%। तो ROI ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मार्जिन्स, और बहुत सारे लोग इसीलिए फेल होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते ROI के बीच में। तो ROI मैं रेकमेंड करता हूँ 150-200% होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट आप बेचो ऑनलाइन, और कैश फ्लो इज़ द किंग। अगर आपके पास कैश नहीं है इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, तो आप ये बिज़नेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये थी कुछ टिप्स
आपको एक सक्सेसफुल अमेजोन सेलर बनने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, मार्जिन्स या ROI। अगर पर्सनली बात करनी है तो DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक्स नीचे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।